हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सृष्टि के टिवारिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी न्यू परचेजिंग। इस बार मैंने ज़्यादा प्लांट नहीं लिए हैं क्योंकि इस बार मैंने सब कुछ कटिंग से ग्रो करने की कोशिश की है और उनको डिवाइड किया है। तो काफ़ी सारे प्लांट मैं डिवाइड कर चुकी हूँ और मेरे पास जो है नीम का प्लांट है, इसी साल लिया है मैंने, बट वो बहुत छोटा सा है तो मैं उसको डिवाइड नहीं कर पाई, इसलिए मैंने एक नीम का प्लांट लिया है और एक लिया है मैंने यहाँ पर अपना हार सिंगार का प्लांट। तो हार सिंगार का प्लांट भी मेरे पास एक ही है और बहुत छोटा है। तो चलिए आज मैं आपको जो रिपोर्टिंग बताऊँगी वो हार सिंगार के प्लांट की ही बताऊँगी। परमानेंट प्लांट है, पक्का पौधा है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। इतनी अच्छी फ्लावरिंग आती है कि मैं आपको बताना चाहूँ कि इसकी जो फ्लावर हैं वो इतने खुशबूदार होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हिसाब से तो इस वाले प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनकी मेरे ख्याल से जो परफ्यूम वगैरह होता है वो भी बनता होगा। बहुत ही अच्छे इस पर फ्लावर आते हैं, बंचेस में आते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक फ्लावर रहते हैं, मतलब कि खिलते ही रहते हैं और बहुत अच्छे उनमें खुशबू आती है। अब देखते हैं इस पर कौन से कलर के फ्लावर आते हैं। मैंने तो वैसे हमेशा वाइट कलर का ही देखा है, जिसके अंदर हल्की सी येलो या ऑरेंज सी शेडिंग होती है, मैंने वो प्लांट देखा है। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या होगा। और ये एक सिंगल ब्रांच वाला ही प्लांट है, ये देखिए। मोस्टली मुझे जितने भी प्लांट मिलते हैं इसी टाइप के मिलते हैं, तो प्लांट के हाइट के अकॉर्डिंग ही हम उसे देंगे अपना पॉट। तो पॉट मैंने ले लिया है, बहुत छोटा सा, होल में आपको दिखा रही हूँ। और इस पॉट में हम लगाने वाले हैं अपना हार सिंगार का प्लांट। तो समर लविंग प्लांट है ये, धूप बहुत अच्छी पसंद है इसको। जितनी भी देर की धूप आपके गार्डन में या आपके टेरेस पर बालकनी में आती हो, आप इसे उतनी देर की ही धूप दे सकते हो। जैसे कि मेरे टेरेस पर आती है 6 से 7 घंटे की धूप, तो मैं इसे 6 से 7 घंटे की धूप ही दूंगी। ऐसी जगह रख दूंगी जहाँ पर इस पर धूप हमेशा पड़ती रहे, शेडी एरिया में बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं करेगा और इस पर फ्लावरिंग भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो मिट्टी का रेशियो जो है यहाँ पर मैं रखूँगी 50% मिट्टी, 20% रिवर सैंड और बाकी हिस्सा जो हमारा 30% के करीब बचा उसमें हम डालेंगे अपना कोई भी कंपोस्ट या खाद। तो आप खाद में ले सकते हो वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट गोबर की खाद, पत्तियों की खाद, कोई भी जिसके पास जो अवेलेबल हो वो ले लेना। अगर कुछ भी नहीं है तो कंपोस्ट जो हम घर पर करते हैं, कंपोस्ट खाद जो बनता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। कंपोस्टिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर से एक मिर्च का डंठा जो होता ना, ये पत्ते जितने भी पड़े ना आपको दिख रहे हैं, इसमें से एक भी पत्ता मेरे घर से, मेरे छत से बाहर नहीं जाता है। मैं सबका कंपोस्ट बना देती हूँ, ठीक है, एक इस टाइप का पत्ता भी नहीं छोड़ती हूँ। तो कंपोस्टिंग ज़रूर कीजिए अपने घर से, कचरा बिल्कुल भी बाहर मत जाने दीजिए, रोड पर फैलने मत दीजिए। और ये जब कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाएगा तो बिल्कुल ब्लैक सोना बन जाता है ये, ठीक है, ब्लैक गोल्ड इसको बोलते हैं। तो आप ज़रूर उसका यूज़ कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम होने पर इंस्टा पर मुझे मैसेज करके पूछिए या अपनी पिक भेज कर बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो अपने टॉपिक पर ही आ जाते हैं, जो रेशियो मैंने आपको बताया है वही रेशियो मैं मिक्स करके अपने पॉट में भर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे की तरफ थोड़ी सी जो मिक्सचर आपको बताया था वो भर लिया है और उसके बाद मैं ऊपर से कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। मिट्टी कैसे बनाते हैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लेना। बहुत अच्छी तरीके से कुछ और एडिशनल चीज़ें भी डालनी पड़ती हैं जिससे मिट्टी अच्छी बने, रिच बने और प्लांट की ग्रोथ पर वो काफ़ी इफ़ेक्ट डाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 मुट्ठी के करीब अपना गोबर खाद। ये है हमारा नीम की खली, बहुत ज़रा सा हमने लिया है यहाँ पर फंगी पाउडर, बारिशों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है हमारा DAP के दाने और ये है मेरी चाय की पत्ती, जो घर की चाय पत्ती होती है, इसको मिक्स करके मैं डाल लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और प्लांट को निकाल कर मैं इसमें सेट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लांट निकाल के लगा लिया है पॉट में, इसके बाद हम मिट्टी इसमें फिल कर देंगे। तो मैं इसके लिए इसकी कुछ और बातें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस प्लांट को फ्रेंड्स बहुत अच्छा खाद चाहिए तभी ये फ्लावरिंग करेगा। तो आप महीने में एक बार 100 ग्राम के करीब कोई भी खाद जो आपके पास अवेलेबल हो वो डालना, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो भी, गुड़ाई कर देना 15-20 दिन में और फिर डाल देना, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत सारे डालना, बदल बदल कर डालना। बनाना पिल फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है किसी भी प्लांट के लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए। आप इसमें एप्सम सॉल्ट का
लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी डाल सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो। और यहाँ पर आता है एक हमारा सी वीड एक्सट्रैक्ट, उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हो। यूमिक एसिड करके एक हमारा आता है फर्टिलाइज़र, उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप इसमें डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा मार्केट की चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो अपने घर पर ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो, जैसे वाइट विनीगर हो गया, नींबू हो गया, कच्चा दूध हो गया, इन हमारी जो लस्सी होती है खट्टी, उसका भी आप एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो। तांबे के बर्तन में अपनी लस्सी को रख दीजिए 10 दिन के लिए, और उसको डाइल्यूट करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर स्प्रे भी कर सकते हो और मिट्टी में भी डाल सकते हो। वो फंगीसाइड का भी काम करेगा और बहुत सारे बेनिफिट देगा आपके प्लांट को, ठीक है। तो इंजाइम का भी यूज़ कीजिए अपने गार्डन में। इंजाइम कैसे बनाते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना और इंजाइम बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए। उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बट उसमें कुछ भी कंपोस्टिंग की तरह, बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कंपोस्टिंग को थोड़ा गंदा समझते हैं कि भाई बहुत उसमें स्मेल आती है, ये है वो है, तो आप इंजाइम की तरफ जा सकते हो। इंजाइम बिल्कुल सेफ तरीके से बनता है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मिट्टी लगाने के बाद आपको इस टाइप से दबा दबा कर उसको भर देना है, ठीक है। तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र मैं बता चुकी हूँ, इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या चैनल पर विजिट कीजिए, बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बताए हैं। पेस्टिसाइड के तौर पर भी बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं चैनल पर, वो भी जाकर देख सकते हो। नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना महीने में या 25 दिन में एक बार, ठीक है, पेट्स वगैरह ना लगे, प्लांट को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा है तो आप फंगीसाइड का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर उसका भी स्प्रे कर सकते हो, पेट्स उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। हल्दी का भी यूज़ आप इसी टाइप से कर सकते हो, उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए और इस पर स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। अब हम कर देते हैं इसमें वाटरिंग। वाटरिंग इसको काफ़ी अच्छी चाहिए क्योंकि अभी हमने इसको रिपोर्ट किया है, तो वाटरिंग फुल कीजिए, भरकर कीजिए, अच्छे से कीजिए। जो ड्रेनेज होल मैंने आपको दिखाए थे वहाँ से इसका वाटर बाहर निकलना चाहिए, इतनी अच्छी इस पर आपको वाटरिंग करनी है। तो आप देख सकते हो कुछ इसकी लीव्स नीचे लटकी हुई हैं क्योंकि प्लांट की मिट्टी काफ़ी सूखी हुई थी। ये दोनों प्लांट मेरे घर में रखे हैं, 4 से 5 दिन पहले मैंने इनको लिया था और मैंने रख दिया था ऐसे ही गार्डन में, ताकि ये थोड़े मेरे टेरेस पर या मेरा जो घर का वातावरण है उसमें ढल जाए, उसको एडजस्ट कर ले, उसके बाद मैं रिपोर्ट करूँगी। तो ये टिप है आपके लिए, जब भी आप कोई प्लांट लेते हो लाओ और फटाफट उसको रिपोर्ट मत कर दो, 2 से 4 दिन के बाद आप उसको रिपोर्ट किया करो तो वो ज़रूर सर्वाइव करेगा। तो ये दो पत्तियाँ मुझे लग रही हैं कि लटकी हुई हैं, ठीक है, बट ये ऊपर वाली पत्ती जो इसकी टिप की है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ये हमारा सर्वाइव कर जाएगा। तो जैसे कि आप अगर इसे गर्मियों में रिपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप इसे बिल्कुल सेड़ी एरिया में रख देना जहाँ पर सन की लाइट इसको टच ना करे। और अगर आप इस मौसम में कर रहे हो या फिर आप रेनी सीजन के बाद कर रहे हो या फिर आप बसंत पंचमी के आसपास कर रहे हो तो आप उस टाइम पर भी इसे कहीं भी रख सकते हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर तेज़ धूप है तो आप इसको बिल्कुल सेड़ी एरिया में रख दीजिए, सन की लाइट टच ना करे। जब आपको लगे मेरा प्लांट सेट हो गया तो आप इसको धूप में रख सकते हो। अभी का मौसम ऐसा है कि मैं इसको कहीं भी रख दूंगी, आराम से सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि धूप इतनी नहीं है, बादल बादल ही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ इसके बारे में बताना तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ लेना। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, प्रोपोगेशन मैंने इसकी नहीं बताई, वो बताती हूँ। प्रोपोगेशन के लिए आप क्या करोगे, आप प्लांट लेकर लगा सकते हो, कटिंग से ग्रो कर सकते हो। सीड मैंने इसके देखे नहीं हैं तो मुझे नहीं पता है कि इसके सीड से ग्रो होता है या नहीं होता। मेरे पास प्लांट है, उस पर सीड अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। तो सब कुछ बता दिया है मैंने, फिर भी अगर कुछ भूल गई हूँ तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो घंटे का बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस कीजिए। ऑल पे प्रेस करोगे तो आपको डेली की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरा वीडियो देख सकोगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।